ॐ स्तापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे भगवान श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें भगवान श्री राम कृष्ण देव ने जो तंत्र साधना की थी भैरवी ब्राह्मणी द्वारा उसकी विशेष चर्चा हम लोग कर रहे थे। उसमें परम पूज्य श्रीमद् स्वामी शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं कि रमणी मात्र के प्रति मातृज्ञान को सब प्रकार से अक्षुण रखकर तंत्र अनुसार वीर भाव के साधनों का अनुष्ठान किए जाने की बात किसी युग में किसी भी साधक के द्वारा हमने नहीं सुनी है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि कभी भी ऐसी बात जो श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन में साधना करके जो सिद्धि हासिल की थी वो कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई सुनी नहीं है ऐसा कह रहे हैं महाराज। और सही में भैरवी ब्राह्मणी ने ऐसी कठिन कठिन साधनाएं श्री राम कृष्ण देव के द्वारा करवाई जो तंत्रक्त साधना जो शास्त्र है उसमें जो वर्णित है और उसका उद्देश्य क्या है वो अब हम चर्चा करेंगे। शक्ति ग्रहण किए बिना श्री राम कृष्ण देव की सिद्धि प्राप्ति के द्वारा प्रमाणित तथ्य। श्री राम कृष्ण देव कहते थे कि किसी भी साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें 3 दिन से अधिक समय नहीं लगा। किसी भी साधना में ये तंत्र साधना नहीं बहुत सारी साधना उन्होंने की तो बोले किसी भी साधना में जैसे वेदांत की साधना की ये तंत्र की साधना है वैसे असंख्य साधनाएं शास्त्रों के अनुसार तो बोले 3 दिन से ज्यादा अधिक समय उन्होंने नहीं लगा। क्यों कहते हैं कि साधना विशेष को ग्रहण कर उसके फल को प्रत्यक्ष करने के निमित्त जो भी साधना कर उसको फल को प्रत्यक्ष करने के लिए व्याकुलता जो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं वो तो व्याकुलता पूर्ण हृदय से श्री जगदम्बा से हट करने पर माँ जगदम्बा को वो हट करते थे कि ऐसी ऐसी कठिन साधनाएं मुझे माँ करा रही है कि हे माँ मैं तो तुम्हारा एक सरल बालक हूँ और ऐसी आज्ञा तुम मुझे दे रही हो कि विवस्त्र नारी के गोद में बैठ के जप करने का साहस मुझ में नहीं है मैं तो एक बालक हूँ हे माँ जगदम्बा मेरी रक्षा करो। तब माँ जगदम्बा का आदेश पाकर श्री राम कृष्ण देव वो कार्य करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं कि व्याकुलता पूर्वक हृदय से श्री जगदम्बा से हट करने पर सभी साधनाओं में संपूर्ण निर्भरता किसके ऊपर श्री जगदम्बा महाकाली भवतारिणी के ऊपर हट करने पर 3 दिन में ही मैं सफल हो जाता था। क्यों सफल होते थे कि माँ भवतारिणी ही उनको आशीर्वाद प्रदान करते थे सहायता प्रदान करते थे और उत्साह प्रदान करते थे तब वो 3 दिन में ही वो सफल हो जाते थे। शक्ति ग्रहण किए बिना वीराचार के साधनों में इस प्रकार अल्प समय के अंदर देखिए अल्प समय बहुत साधक साधना करते हैं मगर उसमें पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है एक ही साधना करने में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है मगर श्री रामकृष्ण देव ने एक ही जीवन में अनेकों साधना की
और अल्प समय में उसमें सफलता प्राप्त की, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अल्प समय के अंदर उनकी सफलता के स्पष्टतया यह प्रमाणित होता है कि पंचमकार या स्त्रीगरण ग्रहण उन अनुष्ठानों के आवश्यक अंग नहीं है। देखिए, जो तंत्र साधना करते हैं उसमें स्त्री ग्रहण करना वो आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री राम कृष्ण देव ने ये करके, ग्रहण नहीं करके उसमें सफलता प्राप्त की। तो बाकी साधक क्यों करते हैं? तो पहले हमने अध्ययन किया है कि अपनी मन की मनोदशा कमजोरी के कारण वो ग्रहण करके फिर वो असफल होते हैं, और असफल होने के बाद उस शास्त्रों की निंदा करते हैं लोग कि ये शास्त्र ही ऐसा है तंत्र साधना का कि उसमें लोग विफल होते हैं। क्यों? मनुष्य अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर वो साधना करते हैं तब वो विफल होते हैं। तो ये माँ जगदम्बा का उद्देश्य क्या था? तो ये अभी हम कह रहे हैं कि उसमें कोई आवश्यक अंग नहीं है, वो न करके भी सफलता प्राप्त मिलती है। संयम रहित साधक अपने दुर्बल स्वभाव के वशीभूत, देखिए संयम रहित, वो साधना जो कर रहे हैं साधक उसमें संयम नहीं है, धैर्य नहीं है, अपने दुर्बल स्वभाव के वशीभूत। क्यों? अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर वो स्त्री ग्रहण करते हैं और असफलता प्राप्त करते हैं। वशीभूत होकर ही उस प्रकार का आचरण किया करता है। अब उसमें शास्त्रों का दोष नहीं है, शास्त्र तो पवित्र है। अब उसकी पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने यह साधना की। किसकी इच्छा से? माँ जगदम्बा की इच्छा से, कि शास्त्र की पवित्रता को पुनर्प्रतिष्ठा करने के लिए श्री जगदम्बा ने श्री रामकृष्ण देव के शरीर का सहारा लेकर शास्त्र की प्रतिष्ठा, पुनर्प्रतिष्ठा, पवित्रता की। लोग निंदा करते हैं तो उस निंदा को दूर करने के लिए कि शास्त्र का दोष नहीं है, देखिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने ऐसा किया और वो सफल हुए, और जो सफलता प्राप्त नहीं करते हैं इसमें शास्त्रों का दोष नहीं है, दोष उस साधक का है कि वो अपने दुर्बल स्वभाव के वशीभूत होकर वो गलत कार्य कर रहे हैं। तो माँ जगदम्बा का उद्देश्य ये है, साधक द्वारा इस प्रकार किए जाने पर भी तंत्र ने उसे अभयदान किया है। देखिए, फिर साधना जो कर रहे हैं साधक, उस साधक को ये ये शास्त्र है, वो शास्त्र भी उसको अभयदान दे रहे हैं। अभयदान किया है कि पुनः पुनः अभ्यास के फलस्वरूप कोई साधक अपने मन के वशीभूत होकर असफल होने के बावजूद शास्त्र कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने इस जन्म में इस असफलता प्राप्त की और एक बार तुम असफल हुए हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, बोले पुनः पुनः अभ्यास करो। देखिए कितनी बड़ी बात है, पुनः पुनः अभ्यास के फल स्वरूप समय आने पर वह भी दिव्य भाव में प्रतिष्ठित होगा। शास्त्र तो पवित्र है, बोले पुनः पुनः तुम प्रयास करो, और अभयदान दिया है कि भले ही हम शास्त्र भी कहते हैं, भले हाँ ठीक ये कठिन साधना है, मगर कठिन साधना में भी तुम उत्तीर्ण होने चाहते हो तो तुमको पुनः पुनः प्रयास करके समय आने पर तुम भी सफलता प्राप्त करोगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तुम उस साधन को छोड़ो मत, नहीं पुनः पुनः प्रयत्न करो। इसलिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अभय दान दिया है, तुम भय मत करो।
तुमको यदि अपने मन में संपूर्ण विश्वास है कि इस पथ के द्वारा भी तुम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हो, तुम उसी पथ में आगे बढ़ो और पुनः प्रयत्न करो। पुनः पुनः अभ्यास के फलस्वरूप समय आने पर वह भी दिव्य भाव में प्रतिष्ठित होगा। इस बात का उपदेश प्रदान किया है। इससे उस शास्त्र के परम कारुणिकत्व की ही पुष्टि होती है। देखिए, वो शास्त्र बहुत ही दयालु है। जो साधक है उसके ऊपर दया करता है। शास्त्र भी कहता है, मैं जानता हूं मगर मैं अभिधान देता हूं कि तुम भी उस दिव्य भाव में प्रतिष्ठित होंगे। तो ये मां जगदम्बा का उद्देश्य है कि शास्त्र की पुनर्प्रतिष्ठा, लोगों में जो इस शास्त्र को अतिरिक्त निंदा का जो भाव उत्पन्न हुआ है कि इसलिए कि साधक विफल हो रहे हैं, और विफल होने का कारण क्या है? दुर्बल स्वभाव के वशीभूत होकर। तो मां जगदम्बा कह रही हैं कि ये जो शास्त्र है वो निंदा नहीं होनी चाहिए, कि शास्त्र अपने में पवित्र है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने साधना की और उसका इससे उस शास्त्र के परम कारुणिकत्व की पुष्टि होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात श्रीमद् स्वामी शारदानंद जी महाराज ने हमारे सामने रखी है। और तंत्रोक्त अनुष्ठानों का लक्ष्य क्या है, क्यों किया जाता है, ये अभी बता रहे हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जिन रूप रसादि पदार्थों से प्रलुप्त होकर साधारण मानव बारंबार जन्म मरणादि का अनुभव कर रहा है, ये जन्म और जो मरण है, पुनरपि जननीम पुनरपि जठरे शयनम, तो ये जो जन्म लेना मृत्यु को प्राप्त होना, रूप रसादि पदार्थों के प्रलुब्ध होकर हमारे इंद्रियों के द्वारा देखी गई समस्त सृष्टि की जो भी चीजें हैं उसका जो रूप और रसादि है उसको प्रलुब्ध होकर लोभित होकर क्या हो रहा है, साधारण मानव बारंबार जन्म मरणादि का अनुभव कर रहा है, फिर जन्म लेना है, फिर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, अनुभव कर रहा है तथा ईश्वर प्राप्ति एवं आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बन पा रहा है। वो अधिकारी नहीं बन रहा है, उसका कारण यह है कि रूप रसादि में जो वो प्रलुब्ध हो रहा है इसके कारण संयम की सहायता से पुनः पुनः प्रयास। देखो फिर ये बात कह रहे हैं, पहले भी यही बात कही कि कोई भी साधना करेंगे उसमें यदि सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो पुनः पुनः प्रयास करना है। संयम की सहायता से साधक को संयम करना है, पुनः पुनः प्रयास तथा चेष्टा के द्वारा उन वस्तुओं को ईश्वर की प्रति मूर्ति रूप धारण करने के निमित्त। देखिये, तंत्र साधना में विवस्त्र नारी को की गोद में बैठ के जब ध्यान करना है तो कहते हैं कि जो वस्तु उसमें उपयोग में आ रही साधना के उसमें उसको क्या, ईश्वर की मूर्ति रूप उसमें मां जगदम्बा को देखना है। जो श्री रामकृष्ण देव ने किया, कब किया, मां जगदम्बा से ही उन्होंने प्रार्थना की और मां जगदम्बा की इच्छा से और उनकी शक्ति से श्री रामकृष्ण देव ने वो कार्य संपन्न किया। तो वो जो वस्तु है उसमें ईश्वर की मूर्ति रूप वो रमणी में जगदम्बा का दर्शन करना है। मूर्ति रूप से धारणा करने के निमित्त साधक को अभ्यस्त करना ही कारण, एक मध्य जो है वो कारण का पान करना वो ठाकुर नहीं कर पाए।
मूर्ति रूप से धारण करने के निमित्त साधक को अभ्यस्त करना ही तांत्रिक क्रियाओं का लक्ष्य है। कि तंत्र में जितनी सारी चीज तुम उपयोग कर रहे हो वो सब ईश्वर रूप है, और तंत्र साधना का यही उद्देश्य है कि समस्त जो है उसमें तुम ईश्वर ब्रह्म दर्शन करो, ये उद्देश्य है तंत्र साधना का। साधकों के संयम तथा समस्त भूतों में ईश्वर दृष्टि, देखिए दो चीज कही, संयम और ईश्वर दृष्टि, उस रमणी में भी जगदम्बा है वो दृष्टि के तारतम्य को ध्यान में रख कर ही तंत्रों में पशु वीर तथा दिव्य भावों का उल्लेख किया गया है। तो अलग अलग जो साधना है उसमें यही मुख्य बात है, समस्त भूतों में ईश्वर दृष्टि। जब ये साधक के जीवन में मन में ये उद्भव होती है तब वो सफलता प्राप्त करता है, और यही उद्देश्य है तंत्र साधना का। एवं और फिर क्या हुआ, कितनी साधक, पशु वीर और दिव्य भाव। एवं तदर्थ ही साधक को प्रथम द्वितीय तथा तृतीय भाव का अवलंबन कर ईश्वर उपासना के लिए अग्रसर होने का उपदेश दिया गया है। किंतु कठोर संयम को आधार बनाकर तंत्रोक्त साधनों में प्रवृत्त होने से ही फल का प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। कैसे, बोले कठोर संयम, यदि संयम नहीं रहा तो साधक पदच्युत हो जाता है और सफलता प्राप्त नहीं होती। तो संयम महत्वपूर्ण है, संयम को आधार बनाकर तंत्रोक्त साधनों में प्रवृत्त होने से फल का प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। जो श्री रामकृष्ण देव ने प्रत्यक्ष अनुभव किया, 3 दिन में सफलता प्राप्त की, अन्यथा नहीं, ये भी कह दिया, बोले अन्यथा नहीं। यदि साधक अपने दुर्बल स्वभाव के वशीभूत होकर संयम को तोड़ता है तो नहीं, और ये जरूरी भी नहीं है, आवश्यक नहीं है, ये भी यहां बताया गया। इस बात को समय के प्रभाव से लोग प्रायः भूल चुके थे। देखिए ये जैसे जैसे समय जाता गया, तंत्र साधना के जैसे समय जाता गया, तो प्रायः ही ये लोग भूल चुके थे कि संयम और कठोर साधना, कठोर संयम को आधार बनाकर तथा उनके कुकर्मों के लिए तंत्र शास्त्र को ही दोषी ठहराकर, देखिए फिर ये पॉइंट आया है कि साधक अपने संयम तोड़कर विफलता प्राप्त करते हैं तो उसका कारण क्या है, कहते कि शास्त्र को ही दोषी ठहराते हैं कि शास्त्र ही ऐसा है कि शास्त्रों में ही ऐसी क्रिया करनी पड़ती है जिसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। तब ये क्लियर कर रहे हैं कि उसमें शास्त्र का कोई दोष नहीं है, कुकर्मों के लिए साधक अपने कुकर्मों के लिए, और कुकर्म क्यों करते हैं, बोले अपने मन से वशीभूत होकर, तो उसमें शास्त्र का क्या दोष है। उनके कुकर्मों के लिए तंत्र शास्त्र को ही दोषी ठहराकर लोग उसकी निंदा करने लगे थे। कब, भगवान श्री रामकृष्ण देव के अवतार धारण करने से पहले, जब कोई ये साधना करते थे उसमें असफलता प्राप्त होती थी तो कितने ही सालों तक शास्त्रों की निंदा हो रही थी। अब मां भवतारिणी को तो अपने शास्त्रों की रक्षा करनी है, शास्त्र भी किसने बनाए, ये साधना किसने बनाई, मां भवतारिणी की इच्छा से। अलग अलग साधकों के मनोभाव के हिसाब से अलग अलग साधना करते थे, किस लिए, मां का दर्शन करना है।
तो माँ ने सोचा, माँ जगदम्बा ने, कि तो लोग तो शास्त्रों के ही निंदा करने लगे हैं, अब फिर से उसकी पुनर्प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। इसलिए श्री राम कृष्ण देव को अवतार धारण किया और माँ जगदम्बा की इच्छा से ये साधना श्री राम कृष्ण देव ने की। ये बात स्पष्ट हो रही है। अतः उन अनुष्ठानों में रमणी मात्र के प्रति पूर्णतया मातृभावपन श्री राम कृष्ण देव की सफलता के द्वारा, देखिए रमणी मात्र के प्रति मातृभावपन, मातृभाव किसने किया? श्री राम कृष्ण देव की सफलता के द्वारा, क्योंकि वो सफल हुए, उसकी आवश्यकता नहीं है, रमणी को ग्रहण करना हुआ आवश्यकता नहीं है, उनमें तो मातृभाव उत्पन्न हुआ, मगर दूसरे साधक विफल होते हैं। तो कह रहे हैं कि श्री राम कृष्ण देव की सफलता के द्वारा सच्चे साधकों को किस लक्ष्य की ओर चलना है? जो सच्चे साधक है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसे चलना है? तो श्री राम कृष्ण देव ने वो उदाहरण दिया कि मैंने जैसे किया वैसे आप कीजिए। लक्ष्य की ओर चलना है, इस बात का निर्देश प्राप्त होने से जैसे उनका महान उपकार हुआ है। किसका? उस साधक का महान उपकार हुआ है। ठीक उसी प्रकार तंत्र शास्त्र का प्रामाण्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार तंत्र शास्त्र का प्रामाण्य सुप्रतिष्ठित होकर वह शास्त्र महिमान्वित हुआ है। बोले शास्त्र खुद महिमान्वित हुआ है, श्री राम कृष्ण देव ने साधना करके दिखाया, इसलिए कि ऐसे तो कभी हमने सुना नहीं, युगों तक किसी ने नहीं सुना कि 3 दिन में ऐसी कठिन साधना करनी होती है। ये शास्त्र महिमान्वित हुआ है, वो ही का उद्देश्य माँ भवतारिणी का है कि शास्त्र की पुनर्प्रतिष्ठा, शास्त्र की निंदा मत कीजिए और शास्त्र महिमान्वित हुआ है श्री राम कृष्ण देव ने तंत्र साधना की। इसलिए तंत्र साधना का प्रामाण्य सुप्रतिष्ठ होकर, नहीं ये ठीक है, शास्त्र ठीक है, श्री राम कृष्ण देव की तंत्र साधना का दूसरा कारण क्यों किया था? एक तो कारण ये हो गया, क्या? सुप्रतिष्ठा। श्री राम कृष्ण देव के द्वारा उस समय तंत्रोक्त रहस्यपूर्ण साधनों का अनुष्ठान 3-4 वर्ष तक लगातार किए जाने पर भी, देखिए 1-2 महीने की बात नहीं है, 1-2 साल की भी नहीं है, कहते कि 3-4 वर्ष तक दक्षिणेश्वर में पंचवटी में भैरवी ब्राह्मणी श्री राम कृष्ण देव को तंत्र साधना करा रही है, दिन रात श्री राम कृष्ण देव से वो साधना करा रही है, कभी ये तो कभी वो। श्री राम कृष्ण देव खुद बोल रहे हैं कि ब्राह्मणी ने मुझसे इतनी सारी साधना कराई है कि वो मुझे अभी मुझे याद भी नहीं है, विस्मृति हो गई है, और ऐसे अनेक अनेक अद्भुत मुझे दर्शन हुए हैं वो भी मुझे याद नहीं, अनेकों अनेकों दर्शन हुए हैं। तो 3-4 वर्ष तक लगातार किए जाने पर भी उन्होंने उसका आद्योपांत विवरण, ने पूरे का पूरा विवरण कि क्या क्या मैंने साधना की, वो हम में से किसी को भी कहा हो ऐसा हमें विदित नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? श्रीमद् स्वामी शारदानंद जी महाराज, कि जब ठाकुर से बात होती थी तो हमको कभी याद नहीं कि पूरे के पूरी 3-4 वर्ष जो उन्होंने साधना की उसका विवरण किसी के सामने किया हो हम लोगों को विदित नहीं है। फिर कहते हैं किंतु साधन मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करने के निमित्त, क्यों साधना की?
कि श्री राम कृष्ण देव के पास जो भी साधक आएंगे, जो भी ईश्वर दर्शन करना चाहते हैं, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए निमित्त, प्रोत्साहित करने के निमित्त कभी कभी उन्होंने हम लोगों में से अनेक व्यक्तियों के निकट, श्री राम कृष्ण देव के पास जितने ही शिष्य थे उनके निकट उन विषयों का थोड़ा बहुत उल्लेख किया है। किस विषयों का? तंत्र साधना का थोड़ा बहुत। उन्होंने जो 3-4 साल तक साधना की तो पूरा तो किया ही नहीं, मगर कभी कभी आवश्यकता जब होती थी अपने पास जो शिष्य आते थे उस शिष्य को आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाने के लिए, साधना में आगे बढ़ाने के लिए यदि आवश्यकता लगी तो उन्होंने कुछ कुछ कहा था। अथवा व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार किसी के द्वारा किन्हीं क्रियाओं का अनुष्ठान कराया था, सबको नहीं। क्यों? सभी लोग इस तंत्र साधना के योग्यता नहीं रखते हैं। किसी किसी को व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार, व्यक्तिगत के उसकी भाव कैसा है, इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि किसी का भाव नष्ट नहीं करना है। तो जिसका जैसा भाव है उस हिसाब से श्री रामकृष्ण देव सबको साधना में अग्रसर करते थे। तो आवश्यकता अनुसार, यदि आवश्यकता नहीं है तो करने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार किसी के द्वारा किन्हीं क्रियाओं का अनुष्ठान, किन्हीं क्रियाओं का, थोड़ी बहुत क्रियाओं का अनुष्ठान करवाया था। क्यों? क्योंकि उसका भाव ऐसा है, तो इस भाव से तुम अग्रसर हो तो तुम जल्दी उस साधना में आगे बढ़ोगे। यह बात स्पष्ट है कि तंत्रोक्त क्रियाओं का अनुष्ठान कर उनके असाधारण फल को स्वयं अनुभव किए बिना, श्री राम कृष्ण देव को स्वयं अनुभव करना था कि इस साधना करने के बाद क्या होता है। स्वयं अनुभव किए बिना भविष्य में उनके पास आने वाले विभिन्न स्वभाव के भक्तों की, देखिए भविष्य में जब आएंगे साधक, आएंगे भक्त आएंगे और वो जब इस साधना के बारे में अग्रसर होना चाहते हैं तो उनकी सहायता के लिए जब तक वो अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हैं तब तक वो कैसे सहायता कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने पहले अपने जीवन में उसको किया साधना। स्वभाव के भक्तों की मानसिक स्थिति के अनुसार उनको साधन मार्ग की ओर सहज ही में अग्रसर करना शायद उनके लिए संभव न हो सकेगा। यदि अनुभव नहीं किया तो उसको अग्रसर संभव नहीं हो सकेगा शायद। इसलिए जगन माता ने श्री राम कृष्ण देव को उस मार्ग से, देखिए फिर कह रहे जगन माता ने, ऐसा श्री राम कृष्ण देव अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे जगन माता की इच्छा है, मां भवतारिणी की इच्छा है। इसलिए श्री जगन माता ने श्री राम कृष्ण देव को उस मार्ग से सम्यक प्रकार परिचित कराया था, सम्यक प्रकार से, संपूर्ण प्रकार से उनको परिचय करवाया कि देखिए ये तंत्र साधना में ऐसा है और आपके पास, श्री राम कृष्ण देव के पास जो भी साधक आएंगे उसको मार्गदर्शन देने के लिए, उसको अग्रसर करने के लिए ईश्वर की तरफ, और यह भी एक पथ है, इसके द्वारा भी ईश्वर दर्शन हो सकता है। इसलिए मां जगदम्बा ने श्री राम कृष्ण देव को अपने अनुभव करवाया, यह भी एक दूसरा कारण था श्री राम कृष्ण देव के तंत्र साधना करने का। शरणागत भक्तों को किस प्रकार तथा किस रूप से साधन मार्ग में वे अग्रसर करते थे, अन्यत्र इसका अंत किंचित आभास दिया गया है।
इसलिए श्री रामकृष्ण देव जितने भी शिष्य थे उसको अलग अलग प्रकार से अलग अलग साधन पद्धति के द्वारा अग्रसर करते थे, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। उसको देखने से हमारे पूर्वोक्त कथन की वास्तविकता को पाठक अनायास समझ सकेंगे, अतः यहाँ पर उसकी पुनरुक्ति अनावश्यक है, उसकी बाद में जब आएगा समय तब करेंगे। तंत्रोक्त साधना के समय श्री रामकृष्ण देव के दर्शन तथा अनुभव, अब ये भी बहुत ही अलौकिक घटनाएं जब कर रहे थे तो क्या क्या अनुभव हुआ है, क्या क्या दर्शन हुए श्री रामकृष्ण देव को तंत्र साधना करते के समय, वो अब हम लोग देखेंगे। साधन क्रियाओं के बारे में पूर्वोक्त रूप से कहने के अतिरिक्त तंत्रोक्त साधन कालीन अपने अनेक दर्शन तथा अनुभवों को वे समय समय पर हम लोगों से कहा करते थे। अब तीन चार साल की जो साधना की संपूर्ण तो नहीं कह पा रहे हैं, मगर कभी कभी बैठे हैं तो कभी कभी दर्शन तथा अनुभवों को समय समय पर कभी कभी वो कहा करते थे। यहाँ पर उनमें से कुछ बतलाए जा रहे हैं। अब ये सब श्री राम कृष्ण देव के श्रीमुख से सुनी हुई बातें हैं, किसी अन्य के द्वारा नहीं, इसलिए इसकी सत्यता जो है अति है। सियारिन का उत्तिष्ट ग्रहण, सियाल जो होता है सियारिन उसका, अब ये क्या अनुभव हो रहा है। वे कहते थे कि तंत्रोक्त साधना करते समय उनके पूर्व स्वभाव का सुमूल परिवर्तन हो चुका था। ये हम आगे भी हम लोग देखेंगे और पहले देख भी चुके हैं कि जब महावीर की जब साधना वो कर रहे थे, हनुमान की जब साधना कर रहे हैं, तो उनका मानसिक परिवर्तन जो संस्कार है एकदम ही परिवर्तित हो चुका था, और मानसिक तो क्या उनका शारीरिक परिवर्तन भी हो चुका था। ये हमने पहले चर्चा कर, हुप हुप करके चलते थे, पेड़ों पर रहते थे, फल को काटे नहीं पूरे पूरे फल खाते थे जैसे हनुमान खा रहे हैं, महावीर खा रहे हैं, लोम जो बड़ी हो गई थी, और यहाँ तक कि जैसे हनुमान की पूंछ होती है वैसे श्री राम कृष्ण देव के शरीर में रीढ़ की हड्डी वो बड़ी हुई थी, शरीर में भी परिवर्तन हो चुका था भौतिक रूप से। और जब तक ये साधना करते थे तब तक कूद कूद के चलते थे जैसे हनुमान चलते थे, और जब साधना खत्म हो गई, वो भाव खत्म हो गया, तब पूछा गया कि आपकी वो रीढ़ की हड्डी का क्या हुआ, तो कहते थे कि वो जैसे ही भाव खत्म हुआ तो अपने आप वो नष्ट हो गई। ये चर्चा हम लोग ने पहले की थी। ठीक उसी प्रकार अब ये तंत्र साधना कर रहे हैं उसमें भी उनके पूर्व संस्कार बदल चुके थे। श्री जगदम्बा कभी कभी शिवारूप, शिवारूप में इनके सियार इनका रूप, बोले ये माँ जगदम्बा है, बोले वो सियार इनका रूप धारण कर रहे हैं। जैसे पिछले क्लास में हमने कहा गणेश जी ने जब बिल्ली को मारा तब माँ पार्वती कह रहे हैं कि मैं उसमें भी हूं। बिल्ली को मारने से माँ पार्वती के शरीर के ऊपर खरोंच के निशान आए, प्रहार के निशान आए, तो माँ पार्वती ही सब कुछ हो रही है। शिव शक्यात्मक जगत है, शिव और पार्वती का ही समस्त जगत वहीं से अंश से उद्भव हुआ है। ठीक वैसे ही श्री जगदम्बा कभी कभी शिवारूप, बोले सियारिन का रूप लेके आती है, तो श्री रामकृष्ण देव क्या करते हैं, सियारिन शिवारूप धारण करती है यह सुनकर, तथा कुत्ते को भैरव का वाहन, बोले जो कुत्ता है वो तो भैरव जो है उसका वाहन है, जानकर वे उस समय उनके उत्तिष्ट भोजन को, कि कुत्ता वहाँ खा रहा है सियारन वहाँ खा रही है उसका छोड़ा हुआ जो अन्न है, जूठा किया हुआ अन्न कुत्ते का, उच्चिष्ट भोजन को पवित्र मानकर, क्यों, मेरी माँ तो उसी में है, सियारिन का रूप धारण किए हैं और ये कुत्ता है वो तो भैरव का बोले वाहन है,
वो तो वहाँ पवित्र है, भगवान का वाहन है, तो उसका जो छोड़ा हुआ जो अन्न है पवित्र मानकर, पवित्र है, ग्रहण किया करते थे, उनको श्री रामकृष्ण देव खाते थे, ग्रहण करते थे, वो भाव में कि शियारण ही माँ जगदम्बा है। ऐसी घटना इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती। तदर्थ उनके मन में किसी प्रकार का संशय उत्पन्न नहीं होता था। अब संशय भी उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि संपूर्ण रूप से वो विश्वास करते थे और वो भाव में रहते थे। ऐसा नहीं कि कोई मानसिक कुछ विचार आया, अरे तो सियारण है, माँ है, चलो खा लो, ऐसा नहीं। 100% संपूर्ण विश्वास कि कुत्ता है वो भैरव का वाहन है, वो पवित्र मानकर, इसलिए संशय भी उत्पन्न नहीं होता था, वो खा लेते थे। अपने को ज्ञानाग्नि परिव्याप्त देखना, ज्ञान की अग्नि जो है उसको व्याप्त देखना। श्री जगदम्बा के पाद पद्मों में अपनी देह मन और प्राणों की आहुति प्रदान कर श्री रामकृष्ण देव ने सब कुछ माँ भवतारिणी के चरणों में अर्पण कर दिया था। क्या किया था? मन, देह मन तथा प्राण, उसकी आहुति प्रदान कर दी। उन्होंने अपने भीतर तथा बाहर, भीतर तथा बाहर नानाग्नि परिव्याप्त देखा था। कुंडलिनी जागरण का दर्शन, जब ये साधना कर रहे थे तब कुंडलिनी जागरण हुए थे, उसके कैसे दर्शन हुए थे वो कहते हैं। कुंडलिनी जागृत हो जब मस्तक की ओर उठ रही थी, मूलाधार से वो मस्तक की तरफ ऊर्ध्व गति जब पाप कर रही थी, उठ रही थी, उस समय मूलाधार से सहस्रार पर्यंत कमल समूह ऊर्ध्वमुख तथा पूर्ण प्रस्फुटित हो रहे थे, कमल खिल रहे थे। जब कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से जब सहस्रार में जा रही थी ऊपर, तो देख रहे हैं कि हर एक जगह पे कमल, कमल समूह ऊर्ध्वमुख, सीधे उसका मुख ऊपर में है, ऊर्ध्वमुख तथा पूर्ण प्रस्फुटित हो रहे हैं, पूरे पूरे खिले हुए कमल, ये उनको अनुभव हो रहा है। एक के बाद दूसरा कमल, एक के बाद दूसरा कमल जो ही प्रस्फुटित होता था त्यों ही उनका हृदय अपूर्व अनुभव से पूर्ण होता जाता था। जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सहस्रार में जा रही है, कमल प्रस्फुटित हो रहे हैं ऊर्ध्वमुख, और अलग अलग अनुभव, अपूर्व अनुभव उनको हो रहे हैं। श्री राम कृष्ण देव ने उस समय यह सब प्रत्यक्ष अनुभव किया था। अब कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से समय क्या होता था उसकी चर्चा करते हैं। इस संबंध में श्री राम कृष्ण देव का अनुभव कितने सरल रूप से योग के इन जटिल तत्वों को श्री राम कृष्ण देव हमें समझाया करते थे। अब ये कमल खिलना दिखना कैसे जटिल जटिल सब है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होना वो तो दृश्यमान नहीं है, वो तो अनुभव की बात है, उसको लोगों को कैसे समझाएंगे, साधक को समझाएंगे कैसे? तब कहते हैं कि जटिल तत्वों को श्री राम कृष्ण देव हमें समझाया करते थे। किसको? साधक को। वे कहते थे, श्री राम कृष्ण देव कहते थे, देखो कोई एक वस्तु सरसर करती हुई पैर से चलकर, कोई एक वस्तु, कौन? कुंडलिनी शक्ति। कोई एक वस्तु सरसर करती हुई पैर से चलकर माथे में पहुंच जाती है, तब तक वह माथे में, जब तक वह माथे में नहीं पहुंचती तब तक होश बना रहता है।
मूलाधार से सहस्रार में जब वो कुंडलिनी शक्ति सर सर करती, उसकी भी अलग अलग गतियां हैं, वो जब समय आएगा तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी कह रहे हैं कि सर सर करती, जब तक शीर्षासन में नहीं जाती है, शीर्ष में नहीं पहुंचती है, तब तक होश बना रहता है, तब तक साधक बात कर सकता है। और जो ही वह माथे में पहुंचती है, तत्काल ही मेरा बाह्य ज्ञान चला जाता है। सहस्रार में जैसे ही वो शक्ति गई तो श्री राम कृष्ण देव समाधि में चले जाते थे। उस समय जब कुछ देखना सुनना ही संभव नहीं है, ये तो समाधि में चले गए, अब देखना सुनना ही संभव नहीं है, कौन किसको कहेगा? तो ऐसी स्थिति में वार्तालाप की बात ही क्या, किससे बात करो? तो समाधि में चले गए, वो कुंडलिनी शक्ति तो एकदम सहस्रार में चली गई, वार्तालाप हो ही कैसे सकता है? कि कौन बताएगा, कैसे बताएगा? वो तो समाधि में चले गए। मैं तुम का बोध ही लुप्त हो जाता है कि मैं जो हूं और तुम जो अलग व्यक्तित्व हो, कि मैं तुमको बता रहा हूं, वो मैं और तुम का लोप हो जाता है तो कौन किसको बताएगा? वो तो समाधि में सर्वत्र एकत्व हो गए। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों से सब कुछ कहूं। देखिए ये अवतार वरिष्ठा है। सामान्य साधक जब कुंडलिनी शक्ति सहस्रार में जाती है तो उस आनंद में विभोर हो जाते हैं और वहां से नीचे नहीं आ पाते हैं। और साधक का शरीर चला जाता है, मगर अवतार उस जगह से वापस आकर लोग कल्याण के लिए बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। मगर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि मैं सब कुछ बता दूं, मगर तुम और मैं का वो खत्म हो गया, कौन किसको बताएगा? वार्तालाप हो ही कैसे सकता है? मैं चाहता हूं कि तुम लोगों से सब कुछ कहूं। उसके उठते समय जो दर्शन आदि मुझे प्राप्त होते हैं उनका पूर्ण विवरण दूं, के मूलाधार से जब ये ऊपर तक जा रही हैं और सहस्रार में पहुंची, उसके बाद क्या अनुभव होता है वो मैं चाहता हूं कि आप सबों को मैं कहूं, उसका विवरण दूं। जब तक वह मिस वो कुंडली शक्ति, जब तक वह अपने हृदय तथा कंठ को दिखाकर, श्री राम कृष्ण देव खुद कह रहे हैं अपने हृदय को दिखाकर और कंठ को दिखाकर, जब तक वह यहाँ तक या अधिक से अधिक यहाँ तक, माने हृदय तक और अधिक से अधिक तक कंठ तक, देखो क्या करे, यहाँ तक या अधिक से अधिक यहाँ तक शरीर को दिखाकर उठती है, हृदय से और कंठ तक उठती है वो सर सर करती कोई वस्तु, तब तक वार्तालाप किया जा सकता है। बोले कंठ तक होते हैं तब तक वार्तालाप किया सकता है। तथा मैं भी बातचीत करता रहता हूं, किंतु जैसे ही वो वस्तु जैसे ही वह अपने कंठ को दिखाते हुए, श्री रामकृष्ण देव अपने कंठ को दिखा रहे हैं, जैसे ही वह यहां से आगे बढ़ने लगती है, कंठ से ऊपर आज्ञा चक्र की तरफ आगे बढ़ती है, उस समय मानो कोई मेरे मुंह को इस तरह दबा देता है। मैं बोलने तो जाता हूं कि कंठ के ऊपर जाके क्या होता है, मगर कोई मानो मेरे मुंह को दबा देता है कि मैं कुछ भी कह नहीं पाता, फिर वाणी बंद हो जाती और मेरा बाह्य ज्ञान चला जाता है, फिर समाधि में चले जाते हैं। कंठ से जैसे ही ऊपर गए फिर मैं और तुम का जो बोधत्व है वो नष्ट हो जाता है और समाधि में चले जाते हैं, बाह्य ज्ञान नष्ट हो जाता है।
अपने को फिर मैं संभाल नहीं पाता, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि कंठ के ऊपर जाके क्या अनुभव होता है वो आप लोगों को बताने की मैं प्रचंड कोशिश करता हूँ, मगर मेरा बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता है और मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता। ये श्री राम कृष्ण देव कह रहे हैं। देखिए अंतर में उनकी कितनी इच्छा है कि जो जो अनुभव हो रहा है मैं अपने शिष्यों को, जो साधक है उसको मैं कहूं, मगर कोई मेरा गला दबा रहा है, कहने नहीं दे रहा है। अपने कंठ को दिखाकर कह रहे हैं, यहां से ऊपर उठने पर मुझे जो दर्शन आदि होते हैं, जो ही मैं उनका वर्णन करने का विचार करता हूं, त्यों ही मेरा मन तुरंत ऊपर चढ़ जाता है, फिर कुछ भी कहना संभव नहीं हो पाता। बोले मैं तो कहना चाहता हूं कि कंठ के ऊपर जाके क्या दर्शन आदि हो रहे हैं, किंतु संभव नहीं होता है। श्री राम कृष्ण देव का निर्विकल्प समाधिकालीन अनुभव को व्यक्त करने का प्रयास, अब देखिए फिर प्रयास कर रहे हैं, जो अनुभव हो रहा है वो कहने का वो प्रयास कर रहे हैं। आहा, कंठ के ऊपर अवस्थित चक्र पर मन के आरूढ़ होने पर, कंठ के ऊपर जो चक्र है आज्ञा चक्र है, उसके ऊपर जब मन आरूढ़ होता है, होने पर जो दिव्य दर्शन आदि होते हैं, उन्हें श्री राम कृष्ण देव ने अत्यंत प्रयासपूर्वक अपने को संभाल कर, देखिए अत्यंत प्रयासपूर्वक, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत प्रयासपूर्वक अपने को संभाल कर, माने वो बाह्य ज्ञान लुप्त हो रहा है, समाधि भी प्राप्त हो रही है, उसको रोक के अत्यंत प्रयासपूर्वक कि मैं अभी समाधि में नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं मुझे बात करनी है, मुझे कहना है क्या हो रहा है, अत्यंत प्रयासपूर्वक, मगर समाधि में चले जाते हैं और कोई उनका गला दबा रहा है। संभाल कर कितनी ही बार हमारे समक्ष व्यक्त करने की चेष्टा की किंतु विफल हुए, कितनी ही बार, देखिए कितने करुणा, कितनी दया है उनके ऊपर, ये करुणा पूर्वक को बता रहे हैं, बताने जा रहे हैं, मगर असफल होते हैं। उनके इस प्रयत्न का हम वर्णन ही कैसे करें, हमारे एक मित्र कहते हैं, बोले कैसे वर्णन करें इसका। अब समय हो रहा है और जो मित्र कह रहे हैं उसका चर्चा, उसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, बहुत ही बहुत सुंदर वो घटना है, मगर समय के अभाव से अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो अगले शनिवार को फिर इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तब तक श्री राम कृष्ण देव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य लीला का चिंतन करके हमारा जो मनुष्य जन्म है वो सार्थक हो, उनके चरणों में श्रद्धा भक्ति विश्वास और शरणागति हम लोग को प्राप्त करे, उनके आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त हो। इसी के साथ हम ये वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।